ज्यादा दूर मत जाना छोटा। मामा, साथ ही होगा। माफ करना दोस्तों, थोड़ा लेट हो गया। शुक्र है तुम आए तो सही। अब जल्दी से मुझे मेरी प्यारी बेरीज। ये तो बाघ है। अरे नहीं छोटा, बलू को छोड़ दो। मोगली, तुम एक बाघ के बच्चे को यहाँ लाए? तुम्हें अंदाजा भी है इसका क्या अंजाम हो सकता है? भला ये बच्चा हमें क्या नुकसान पहुँचाएगा बलू? इसकी माँ कहाँ है, तुम्हें कहीं नहीं दिखी? नहीं बघीरा, मुझे ये बच्चा तो झरने के नीचे वाले तालाब में मिला था। हमें इसकी माँ को ढूंढना होगा। तुमने जंगल का एक बहुत अहम नियम तोड़ा है मोगली, किसी को भी माँ और बच्चे के बीच नहीं आना चाहिए, कभी नहीं। तुम इसे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ना होगा। अरे नहीं, मैं इसे कहीं भी नहीं छोड़ सकता बघीरा, भूल गए? जब मैं इतना छोटा था तब तुमने मुझे कहीं भी थोड़ी छोड़ा था। तुम सही कह रहे हो मोगली, तुम यहाँ इसके साथ रहना, मैं और बघीरा जाकर इसकी माँ को ढूंढते हैं। पर शेर खान को पता चला तो वो अपने इलाके में किसी दूसरे बाघ को नहीं रहने देगा। तो मैं इसे भेड़ियों की गुफा ले जाता हूँ, वहाँ शेर खान कभी नहीं आता। अच्छा आइडिया है, अब चलो बलू। दार्जी, क्या है, तुमने शेर खान को देखा क्या? क्यों नहीं टपाकी, कई हजार बार देखा है। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, पर आज मिली हो क्या? क्योंकि तुमसे बाघ की महक आ रही है। अच्छा, वैसे आज मुझे बाघ दिखा था जो मोगली का नया दोस्त है। क्या मोगली का नया दोस्त बाघ है? शेर खान को ये खबर दूंगा तो खुश हो जाएगा। और क्या, और वो कहता है वो शक्तिशाली है, पर मुझे वो नन्हा प्यारा सा बच्चा लगा। चबाकी चबाकी, शेर खान मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है। मोगली का नया दोस्त बना है जो एक बाघ है। क्या कहा बाघ? शेर खान के इलाके में? हाँ, और वो यहीं कहीं आस पास। शायद मोगली मुझे बता सकता है कि वो घुसपैठिया कहाँ है, पहले उसे पकड़ता हूँ। देख क्या रहे हो, उसका पीछा करो। अब मधुमक्खियों के साथ पकड़ा पकड़ी खेलते रहो। कहीं मोगली को वो छोटा मिला होगा। बलू, बलू, भूल गए हम उसकी मम्मी को ढूंढने आए हैं। पर उसने हमें ढूंढ लिया है। हाँ, फिलहाल तो उनसे पीछा छुड़ा लिया, पर हमें कहीं छिपना होगा। छोटा, छोटा।
छोटा संभल कर। चलो हम किसी सुरक्षित जगह छिप जाते हैं जब तक बघीरा और बलू तुम्हारी मम्मी को नहीं ढूंढ लेते। तो वहाँ जा रहे हो मोगली हा? पर उसके साथ कोई बाघ नहीं दिख रहा। इंसानी बच्चा उसी के पास जा रहा है, हम भी वहीं जाकर उसे दबोच लेंगे। मेरा बच्चा कहाँ है? हमें पता है तुम्हारा बच्चा कहाँ है। छोटा सुरक्षित है। सुरक्षित पर कहाँ है? हमारे दोस्त मोगली के साथ भेड़ियों की गुफा में। नहीं, प्लान बदल गया है। मोगली ओरा घाटी में गया है। ये बेरीज कितनी टेस्टी है। कोहरा घाटी में चिंता मत, उन्हें हमारी भनक लग जाएगी। ओ, मुझे गुदगुदी हो रही है, क्या करूं? घबराओ मत छोटा, जानता हूँ ये तुम्हारे घर जैसा नहीं है, पर कुछ ही देर की बात है। ध्यान से छुटको छोटा, अब चलो चलते हैं यहाँ से। छोटा तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बस यही चुपचाप रहना। छोटा यहाँ रहेगा? हाँ, मैं जाकर देखता हूँ मेरे दोस्त आए कि नहीं। तुम यहीं रहना, मैं जल्द लौटूंगा, वादा करता हूँ। छोटा बहादुर, क्या बात है इंसानी बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटा की ताकत देखो। ये आवाज तुम्हारे नए दोस्त की ही है ना? बुलाओ उसे वरना मैं। में आ गया है, भलाई इसी में है कि यहाँ से भाग जाओ। तो ये तुम्हारा बाघ है? ये तो बच्चा है। इसे कुछ मत करना प्लीज। मुझे क्या करना है, मुझे मत सिखा। किसमें हिम्मत है जो शेर खान को रोक सके? एक दोस्त और एक माँ की ताकत। मेरे छोटा की हिफाजत करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया मोगली। तू चाहे तो अपने बच्चे को ले जा, पर ये इंसानी बच्चा यहीं रहेगा। उसकी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, पहले तुझे ठिकाने लगा लूं बच्चे की माँ। दोस्तों ने मुझे सब बताया, शुक्रिया इंसानी बच्चे। वैसे मुझे तो मजा ही आया। छोटा बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारा हम पर एहसान रहेगा मोगली। बाय छोटा। मोगली, मोगली तुम ठीक तो हो? छोटा और उसकी माँ कहाँ है? चले गए, पर मुझे छोटा की याद आएगी। दबाकी के बच्चे कुछ तो कर, कहाँ भाग रहा है? दोस्तों अंत भला तो सब भला। जल्दी आओ मोगली, और तेज। ये क्या कर रहे हो मोगली? हिलना मत। शायद वो कहीं पीछे छूट गया बघीरा। पीछे बैठो, जल्दी मुझे कस के पकड़ना।
गए होगे। अब मैं उसे खा के आता हूँ। मोगली, शेर खान ने सच में उसे खाने की बात कही? ऐसे मौके पे भी उसका दिल नहीं पिघला। अगर मैं वहाँ होता तो उस शेर खान को खाई में फेंक देता। रिक्की सही कह रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, गलती मेरी है। मैंने मोगली की हिफाजत की कसम खाई थी। मैंने नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उस शेर खान की है। आज हमने अपना खास दोस्त खोया है तो उस शेर खान की वजह से। बाल बाल बचा। इंसानी बच्चा, अरे नहीं, वो नहीं हो सकता। शेर खान ने कहा था कि वो जिंदा नहीं बचा। इसका इसका मतलब वो उसका वो था बच्चा। अरे ये तो लाली के रोने की आवाज है, पर वो रो क्यों रही है? सही कह रहा है लाली, मोगली जिंदा नहीं बचा। क्या? और हमें उसके बिना जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये भी ना, पर अभी वो मुझे देखेंगे तो ना बहुत अच्छा लगेगा। हा? अरे नहीं, एक इंसानी बच्चे के लिए इतना हा? अरे लानत है तुम जैसे जंगली जानवरों पर। शेर खान, जो भी तुमने कहा उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। कहा था ना इंसानी बच्चे का नामो निशान मिटा दूंगा, जो मैंने कर दिया। अब समझ लो इस जंगल में सिर्फ मेरा राज चलेगा। शेर खान बचाओ, बचाओ। वो भूत बन गया, वो मेरे पीछे था। मोगली भूत बनकर वापस आया है। नहीं, किसका बकवास कर रहा है तू? मैंने मोगली का भूत देखा, वो हमें डराने वापस आया है। बिल्कुल बकवास। मैंने उस इंसानी बच्चे को हमेशा के लिए खत्म किया है और इस बात के लिए मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। मोगली का भूत? थोड़ा सा इंतजार करो शेर खान, मोगली का ये भूत तुम्हारा ऐसा हाल करेगा कि तुम सबसे माफी मांगते फिरोगे। तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम माफी नहीं मांगते।
तुम छुपे कहाँ हो? सामने क्यों नहीं आते? मैं यहाँ हूँ और यहाँ भी। कभी भला ना हो उस शेर का। बलू तुम्हें ऐसे वक्त में भूख कैसे लग सकती है? मैं जब दुखी होता हूँ तो मुझे बहुत भूख लगती है। दोस्तों, पता है मैंने अभी किसे देखा? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। पता है मैंने उसे देखा, मोगली को। क्या कह रही हो? वो मोगली नहीं, दूसरे मोगली को, उसके भूत को। दबा की जैसी बातें मत करो डार्जी। डार्जी, मुझे बता सकती हो तुमने इस भूत को कहाँ देखा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे बिल्कुल याद है। इसी वक्त मुझे वहाँ ले चलो। ठीक है, जैसा तुम कहो भूत कहीं के, पर उसके बाद मुझे शांति से जीने देना। ठीक है, पर पहले तुम्हें सभी जानवरों से माफी मांगनी होगी। हाँ मांग लूंगा। तो किसका इंतजार कर रहे हो? तो जाओ और माफी मांगो। हाँ ठीक है, पर मैं सभी को वहाँ बुलाना चाहता हूँ जहाँ मैं मतलब तुम गिरे थे। ऐसा क्यों? शायद वही सबसे अच्छी जगह होगी। उन सबको खाई की दूसरी तरफ रहने को कहना और तुम मेरी तरफ से मेरी बेइज्जती का नजारा देखना, तभी तो तुम्हारी आत्मा को खुशी मिलेगी ना। उस घाटी में? पर वहाँ क्यों? मुझे क्या पता, शायद वहाँ से नज़ारे अच्छे दिखते हैं। इसके पीछे कोई चाल है? अरे नहीं शेर खान, इतना बुरा नहीं है। अब तुम भी इतना दिमाग मत दौड़ाओ। अच्छा ठीक है दबाकी, मैं सबको लेकर वहाँ पहुँचता हूँ। वैसे भूत की महक तो नहीं आती डार्जी, मतलब मोगली जिंदा है, वो यही था। हमें बलू को बताना होगा, चलो जल्दी। कहाँ बलू, कहाँ है? तुम्हें नहीं पता, वो घाटी की तरफ गए हैं। शेर खान माफी मांग रहा है। और तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? मन नहीं किया। मैंने तुम सबको यहाँ एक खास वजह से बुलाया है, एक बहुत ही खास बात कहने के लिए। मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ कि मोगली अभी तक जिंदा है, पर बहुत जल्द उसका खेल खत्म हो जाएगा। अरे नहीं, भूत आया, मोगली का भूत। अरे छोड़ मुझे। कीदर पकड़ उसे, वो भूत नहीं है। बचा। रुक जा, बाकी।